हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल मुंबई। फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाला हूँ क्या होता है बिट रेट। आपने कई सारे जगहों पर ये प्रॉपर्टी, आपने किसी भी मीडिया फाइल के अंदर आपने ये पढ़ा होगा। तो जहां पर हम बात करते हैं जब वीडियो की, जब हम बात करते हैं ऑडियो की, तो वहां पर ये एज अ प्रॉपर्टी, एज अ टर्म यूज होता है, डेट इज कॉल्ड अ बिट रेट। तो देखिए, मैंने आप लोगों को लास्ट के टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि बिट क्या होता है, क्योंकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन जो बनती है वो सारे इन्फॉर्मेशन बाइनरी नंबर्स पे ही बनती है, यानी कि सारे बिट्स पर ही बनती है। तो जितने नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, यानी कि ज़्यादातर बिट रेट जो होता है ये बिट पर सेकेंड में कैलकुलेट होता है। तो जितने भी नंबर ऑफ बिट आप एक सेकेंड में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो या तो इंफॉर्मेशन आप स्टोर करते हो, उसी को हम बिट रेट कहते हैं। यानी कि एक सेकेंड में कितने बिट्स आपके ट्रांसमिट हो रहे हैं, कितने बिट्स आप स्टोर कर रहे हो, कितने इंफॉर्मेशन, कितने डेटा आप स्टोर कर रहे हो एक सेकेंड के अंदर अंदर, दैट इज कॉल्ड अ बिट रेट। तो इसे हम कई सारे जगहों पर आप देखोगे तो एज अ डेटा रेट भी टर्म दिया गया है। तो अगर मान के चलिए आपके किसी की भी वीडियो की फाइल जो है आपकी, उसकी बिट रेट काफी हाई है, तो उसे काफी ज्यादा हाई स्टोरेज और हाई कैपेसिटी आपको लगेगा, क्योंकि जब इंफॉर्मेशन पर सेकेंड आपका बढ़ जाएगा, मान के चलिए एक सेकेंड के अंदर अंदर अगर 1 GB का इंफॉर्मेशन आ रहा है तो एक घंटे में कितने ज्यादा इंफॉर्मेशन हो जाएंगे, राइट? तो ऐसे समय पर आपको वहां पर नंबर ऑफ द स्टोरेज है वो भी काफी ज्यादा आपको लगने वाला है, राइट? तो जितना ज्यादा बिट रेट होगा उतना ज्यादा आपका फाइल साइज भी बनेगा, उतना बड़ा आपका जो स्टोरेज सिस्टम है वो भी आपको रिक्वायर्ड होगी। इवन अगर हम नेटवर्क की बात करेंगे तो अगर आपका ज्यादा बड़ा बिट रेट होगा तो जिसके लिए आपके नेटवर्क के ऊपर काफी आपको हाई बैंडविड्थ लगेगी उस डेटा को एंड डेस्टिनेशन तक ट्रांसमिट करने के लिए। तो ऐसे समय पर हम काफी सारे जगहों पर इस बिट रेट को क्या करते हैं, हम कंप्रेस करते हैं। तो जिसके लिए काफी सारे DVR के अंदर, काफी सारे IP कैमरे के अंदर कंप्रेशन टेक्निक इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर डेटा को हम कंप्रेस करते हैं। हालांकि हम यहां पर कंप्रेशन की ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, इसके ऊपर मैंने अलग से एक टॉपिक बनाया हुआ है जो आगे के ट्यूटोरियल में आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। कमिंग बैक टू द टॉपिक, डेट इज कि देखिए, अब जैसे आपका बिट रेट बढ़ेगा, ठीक है, वैसे ही आपका क्या होगा, फाइल साइज भी बढ़ेगा। लेकिन हम जब कंप्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ द कंप्रेशन टेक्निक, जहां पर आप देखोगे तो उसे कंप्रेस करने के बाद में आपका जो इमेज क्वालिटी है वो आपका कम नहीं होता है। इसी को कंप्रेशन टेक्निक कहा जाता है, जो बहुत सारे DVR के अंदर यूज किया जाता है, जिसको हम एनकोडिंग और डिकोडिंग भी बोलते हैं। तो बहुत सारे कोडेक्स वहां पर यूज की जाती है। ये जो बिट रेट है हमारा, ठीक है, इस बिट रेट को याद रखना हमेशा सेकेंड्स में मेजर किया जाता है, जिसको हम BPS बोलते हैं, बिट पर सेकेंड। डिजिटल नेटवर्क के ऊपर, यानी कि अगर हम नेटवर्क्स के ऊपर भेज रहे हैं तो वहां पर भी आपका जो बिट रेट है वो कम किया जाता है एज कंपेयर टू जब हम स्टोरेज की बात करते हैं। तो वहां पर भी जैसे अगर हम यूट्यूब की बात करेंगे तो यूट्यूब पे जब भी हम कोई वीडियो को हम कोई अपलोड करते हैं तो वहां पर क्या होता है, हम जो बिट रेट पर उसे अपलोड करते हैं, यूट्यूब उसी बिट रेट पर उसे स्टोर नहीं करता, उसे एनकोड करता है। एनकोड करने के बाद में जब आप उसे कहीं पर देखते हो तो उसे वापस से डीकोड करके आपको दिखाया जाता है। तो वहां पर ये कंप्लीटली एनकोडिंग और डीकोडिंग का प्रोसेस यूज किया जाता है, और जितने भी इंफॉर्मेशन आपके बनते वो आप देखोगे तो सारे बिट्स के बेस पर ही बनाए जाते हैं। यानी कि आप जो बोलते हो ना सर डेटा, डेटा, ये डेटा क्या है, डेटा इज नथिंग बट योर बिट। वो जो बिट है वही इंफॉर्मेशन आपका कितना एक सेकेंड में आप उसको स्टोर कर रहे हो, दैट इज द अल्टीमेट नोन एज अ बिट रेट और अ डेटा रेट, ठीक है। तो बिट रेट कई सारे चीज़ों से डिफाइन होता है, कई सारे चीज़ों से वो बनता है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे रिजोल्यूशन का, उसमें अगर बिट रेट कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है डिपेंड करता है आपकी रिजोल्यूशन के ऊपर, ठीक है। आपके डिपेंड करता है आपका फ्रेम पर सेकेंड कितना है, यानी कि FPS कितना है, वो डिपेंड करता है कि आपका बिट डेप्थ कितना है, कलर बिट डेप्थ कितना है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको जो है कैलकुलेट करके आपका अल्टीमेट क्या होता है, बिट रेट बनाया जाता है। इसका प्रॉपर कैलकुलेशन भी है, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए अगर आप इसकी कैलकुलेशंस को समझना चाहते हो, तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। बट ऑल्दो ये CCTV का कोई इसमें ज्यादा काम नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमारे पास में सेपरेटली बहुत सारे कैलकुलेटर्स बाय डिफॉल्ट बनाई गई है, तो मैन्युअली आपको वो निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा कि बिट रेट क्या होता है। तो जितना ज्यादा बिट रेट होगा उतना अच्छा आपको इमेज क्वालिटी भी मिलेगा अगर हम वीडियो की बात कर रहे हैं, उतना अच्छा ऑडियो क्वालिटी भी मिलेगा अगर हम ऑडियो की बात कर रहे हैं। तो बिट रेट
रेट जो है वो आपके सेकेंड्स में मेजर होता है, जहां पर आपने देखा होगा ऐसे टर्म यूज होते हुए कि किलोबिट पर सेकेंड, 10 किलोबिट पर सेकेंड, 100 किलोबिट पर सेकेंड, या तो फिर आपने देखा होगा और हायर बिट रेट्स में अगर हम जाएंगे तो वहां पर मेगाबिट पर सेकेंड, और हायर में जाएंगे तो गीगाबिट पर सेकेंड। तो ये सब क्या है, ये सब सेकेंड्स में ही आपके मेजर हो रहे हैं, यानी कि 10 GB एक सेकेंड में फाइलें वहां पर ट्रांसमिट हो रही है और सेव हो रही है आपके कहीं पर ड्राइव में। डैट इज द अल्टीमेट इन्फॉर्मेशन जो एक सेकेंड में कलेक्ट होता है, डैट इज कॉल्ड अ बिट रेट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस डे एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन माय अनदर ट्यूटोरियल, बाय बाय।